और जनपद श्रावस्ती में श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र हेतु जो निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसे मैं एक प्रजातंत्र में महान उत्सव के रूप में देखता हूं। और जो पिछले 6 माह से दिन प्रतिदिन हम लोगों ने इसमें खून पसीना बहाया हुआ है, बहुत माइक्रो लेवल की प्लानिंग की हुई है और बहुत ही सुगम तरीके से आज हम लोगों का मतदान शुरू हुआ, मॉक पोल शुरू हुआ। कहीं से किसी प्रकार की ऐसी कोई अड़चन नहीं आई हुई है जिसे मैं विशेष रूप से कह सकूं। हर जगह शांति है, हर पार्टी के पोलिंग एजेंट यहां पर जो खड़े हैं वो संतुष्ट हैं, आम जनमानस भी जो है बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। और इसी क्रम में मेरा एक निवेदन है जनपद बलरामपुर और जनपद श्रावस्ती के, श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र के हमारे गणमान्य वोटरों से भी, तथाकथित रूप से जनपद बलरामपुर और जनपद श्रावस्ती एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या थोड़े पिछड़े जनपदों में भारत में जाना जाता है। आज वो मौका है कि इन जनपदों को विकास की बहुत मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो एक नागरिक का कर्तव्य हो रहा होता है, और यह सांविधिक अधिकार ही नहीं है परंतु संविधान की मर्यादा के क्रम में एक नागरिक का दायित्व भी है, आज हम आगे बढ़कर के उसका निर्वहन करें, बड़ी संख्या में निर्भीक होकर के स्वतंत्र मस्तिष्क के साथ जो भी अच्छा लगे, यहां तक कि अगर नोटा भी अच्छा लग रहा हो तो आकर के उसका मतदान करें। आप जब आते हैं मतदान करते हैं तो हमारा भी बहुत मनोबल बढ़ता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस चीज को लेकर के कि आपका यह वोटिंग करने का मैकेनिज्म बहुत ही सुगम हो। आप जैसा देख सकते हैं जनपद बलरामपुर में प्रत्येक पोलिंग बूथ पे हम लोगों ने शामियाना चांदनी लगाई है ताकि धूप से बचाव हो सके, ठंडे पानी का हमने प्रबंधन सुराही और कैंटर के माध्यम से किया हुआ है, इतना उत्तम खाना जो है हमारे पोलिंग कार्मिकों के लिए बना है जिसे स्वयं मैंने चेक करके पाया कि बहुत ही अच्छे तरीके का है। यहाँ पे पूरी सुगमता है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है, कोई भी प्रकार का माफिया इस जनपद में इस वक्त नहीं घूम रहा, या तो वो जेल में है या जनपद के बाहर है, किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल मसल पावर कोई यूज नहीं कर सकता है। बहुत ही अच्छे वातावरण में हमारा अब ये दायित्व बन जाता है कि हम राष्ट्र निर्माण और अपने जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़े और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मेरे भाई बहन माता पिता स्वरूप मेरे यहाँ के नागरिक बंधु, मेरा निवेदन है कि आप आएं और यहाँ पर जिस प्रकार से हमने वोट की राखी का एक अभियान बनाया था, बहनों ने जो आपको सौगंध दी है कि आप वोट डालेंगे, उस सौगंध को पूरा करें, क्योंकि यही सौगंध वोट का जो है हमारे भारत की संस्कृति है। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं DM और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि जनपद बलरामपुर और श्रावस्ती को देश में अग्रणी जनपद बनाने हेतु आगे बढ़ कर करके निर्वाचन की इस प्रक्रिया में आकर के अब मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।